इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है मुंबई सटे थाने जिले के अंतर्गत आने वाले उल्लासनगर इलाके से, जहां बीती शाम फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि उल्लासनगर बीजेपी के नेता नरेश रोहरा के कार्यालय पर फायरिंग की घटना हुई है। 3 से 4 बदमाशों ने गोलीबारी की है। बदमाशों और नरेश रोहरा के सुरक्षा कर्मियों के बीच भी झड़प देखने को मिली। दरअसल जब बदमाशों ने गोली चलाई तो जवाबी कार्रवाई करते हुए नरेश रोहरा के सुरक्षा कर्मियों ने भी क्रॉस फायरिंग की है। वहीं फायरिंग की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। गोलीबारी की घटना से शहर के व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि बीती शाम जिस तरीके से तड़ातड़ एक के बाद एक की गोलियां चल रही थी, लोगों में दहशत है। फिलहाल बीजेपी नेता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। उल्लासनगर की हिल लाइन पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश कर रही है। अभी तक इस बात की जानकारी तो नहीं आई है कि गोली क्यों चलाई गई है, लेकिन बताया जा रहा है कि कथित बदमाश बीजेपी नेता पर हमले के इरादे से आए थे, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोक लिया। हमले के वक्त बीजेपी नेता अपने दफ्तर में ही मौजूद थे। वहीं मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में यह पूरी घटना कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अभी तक तो आरोपियों की पहचान नहीं हो पाई है और न ही यह पता चल पाया कि आखिर इस फायरिंग की घटना को अंजाम क्यों दिया गया है। लेकिन जो जानकारी निकल कर सामने आई है उसके मुताबिक बीजेपी नेता पर हमले की साजिश थी, लेकिन बाहर मौजूद सुरक्षा कर्मियों की तत्परता के चलते, उनकी क्रॉस फायरिंग के चलते बीजेपी नेता को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है।